नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज की कैसे वेल्डिंग होता है टेस्ट पीस। और दोस्तों, वो भी एसएस का पीस है और 2 इंच का जॉइंट है। तो दोस्तों, इसमें लगभग सब कुछ तो हो ही गया है, ओनली कैपिंग करना बाकी है। तो देखिए दोस्तों, कैपिंग यहाँ शुरू है। तो दोस्तों, हम लोग कैपिंग देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या क्या देखने मिलता है आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों इसका रूट हो गया, हॉल पास हो गया, फिलअप हो गया और दोस्तों लास्ट दोस्तों के पास इसका चल रहा है कैपिंग पास। तो देखिए दोस्तों, कैपिंग दोस्तों करने का दोस्तों तरीका है कि आप एक बार उठाइए जॉइंट, नीचे से उठाइए और कोशिश कीजिए कि एक बार में ही आप टॉप तक लेकर चले जाएँ। तो उससे दोस्तों क्या होगा, आपको कहीं पॉइंट वॉइंट कुछ जो है होता है वो नहीं मिलेगा आपको। तो एक बार दोस्तों अच्छा जॉइंट आपको देखने में लगेगा आपको। देखिए दोस्तों, ये भी दोस्तों देखिए, नीचे से उठाया जॉइंट को भाई साहब ने और बिल्कुल टॉप तक लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा आपको टेस्ट मारने टाइम 6G पोजीशन में। तो दोस्तों क्या होता है, 6G पोजीशन में थोड़ा दिक्कत होता है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड दोस्तों आसान रहता है, पर राइट साइड से वेल्डिंग करने के टाइम में आपको दिक्कत थोड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों देखिए, अभी टॉप में दोस्तों चल रहा है वेल्डिंग। और देखिए दोस्तों, मूविंग देखिए इसका दोस्तों, देखिए बस इतना ही काम करना आपको है कि बस इसको फिलर देना है आगे और इसको बस मूविंग करते हुए चले जाना, मतलब इसको मेल्टिंग करते हुए चले जाना है आसानी से देखा जाए तो। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों एक साइड तो हो गया है और दोस्तों दूसरा साइड में भी वेल्डिंग शुरू होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, फिलर फिर से ले रही हैं एक फिलर, और कोशिश कीजिए आपकी, देखिए जैसे उठा रहे हैं ये, ऐसे उठाने का भी कोशिश कीजिए कि आपको जैसे नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा झुकना है और झुक करके उठा लेना। झुक कर उठाने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए दोस्तों, बस झुक करके बस उसको आराम से इसको टच करना फिलर वायर और बस उठा देना है। देखिए दोस्तों, मैं इसमें हेलमेट लगा दिया था कि आपको दिखे, अच्छा दिखे, दिखाई पड़े आपको। दोस्तों इसमें मैं हेलमेट लगा करके दोस्तों थोड़ा कैसे जूम कर दिया थोड़ा मोबाइल को थोड़ा, और तो आपको बराबर से आपको देख पाए। देखिए दोस्तों, कभी भी दोस्तों फिलर को एक साइड में जो ऊपर का जो पॉइंट होता है वहाँ फिलर दीजिए और बस आराम से उसको मेल्टिंग करते हुए चले जाइए। देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको बस मेल्टिंग करते हुए जा रहे हैं और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर फर्स्ट लेयर है तो थोड़ा सा फिलर देंगे तो भी अच्छा है, तो मोटा होगा तो कोई उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसके दोस्तों हल्का फिलर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि फिलर देंगे फर्स्ट पास तो अच्छा रहेगा वेल्डिंग करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी इसमें चल रहा है वेल्डिंग अभी। देखिए दोस्तों, 60% दोस्तों, देखिए 60% दोस्तों, ये स्पीड लेवल से मतलब मैचिंग करके अभी पीस टांगा गया यहाँ पे है, ताकि आपको कोई डिफरेंट ना हो, ताकि दिक्कत आपको कुछ ना समझ में आए कि हाँ भाई ये पीस थोड़ा ज़्यादा डाउन तो नहीं है, ज़्यादा अप तो नहीं है। पर दोस्तों, जब ना ज़्यादा अप है ना ज़्यादा डाउन है, क्योंकि दोस्तों राइट स्पीड लगा करके फिर से दोस्तों ये टेकिंग को फिटअप किया गया है, यहाँ पर टांगा गया है पीस को। इसके अलावा बेफिक्र होकर आप आराम से वेल्डिंग करते चले जाइए। तो देखिए दोस्तों, इसको दोस्तों फिलर दे के जा रहे हैं आराम से, बस फिलर ज़्यादा जितना ज़्यादा भी नहीं, मतलब कम भी नहीं, मतलब मीडियम फिलर दे करके आराम से जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आराम से मेल्टर, देखिए दोस्तों देखिए टॉप में आ गए हैं अभी, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको बस मेल्टिंग कर देंगे, बस काम हो जाएगा। तो दोस्तों, राजेश भाई हैं वेल्डर ये, और दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ खड़ा अभी इस टाइम में। और दोस्तों, मैं अपना वेल्डिंग भी दिखा दूँगा आप लोगों को, मैं आगे अपना वेल्डिंग भी थोड़ा रेडिंग करूँगा मैं। तो देखिए दोस्तों, एक पास इसमें हो गया, एक पास होने के बाद दोस्तों फिर से दोस्तों इसको चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे ग्राइंडिंग कीजिए मत ग्राइंडिंग कीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप ग्राइंडिंग कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब ग्राइंडिंग हुआ तो आपको लाइन बराबर दिखाई पड़ेगा और आपको आराम से उसमें कोई डॉट भी नहीं रहेगा कि उसमें कुछ मेटल तो नहीं आ गया, कुछ मेटल तो नहीं घुसा हुआ है, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है कुछ। तो दोस्तों, इसके दोस्तों अनुभव अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग दोस्तों अपना भी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों मेरा दोस्तों जॉइंट पूरा रेडी है यहाँ पे। तो दोस्तों, उनका एक जॉइंट कंप्लीट हो गया अभी, मेरा जॉइंट अब थोड़ा सा, मैं अभी बहुत ज़्यादा हीट हो गया था पाइप, तो इसके दोस्तों मैं थोड़ा रुक गया यहाँ पे, पाइप तक हीट हो जाए तो उस टाइम आराम से इसको ठंडा ठंडा करके इसके लिए फिर से वेल्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों एक पास इसमें बाकी अभी है, तो थोड़ा रुक के थोड़ा वेल्डिंग करेंगे, उतना देर दोस्तों मैं अपना वेल्डिंग कर देता हूँ तब तक, क्योंकि ज़्यादा हीट है इस टाइम। ये भी पीस भी हम लोग का पीस भी, देखिए दोस्तों, ये शर्मा जी का पीस है, तो शर्मा जी का भी वेल्डिंग हो गया एक पास अब। और दोस्तों, मेरा ही ओनली बाकी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने लगी आजकल, थोड़ा मेरा बाकी रह गया थोड़ा। तो दोस्तों, मैं भी अपना वेल्डिंग कपिंग कर देता हूँ मैं अपना भी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करने वाले हैं जस्ट जॉइंट है, क्योंकि दोस्तों देखिए इनका दोस्तों कितना अच्छा दोस्तों जॉइंट हुआ है। तो मैं सोचा कि उनका ब्रश जब तक मार रहे हैं तब तक उतना टाइम मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग तो कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ब्रश मार रहे हैं इस टाइम में। तो दोस्तों ब्रश मार रहे हैं इसके लिए कि
जॉइंट ऐसा जॉइंट साफ़ हो जाए। देखिए दोस्तों अभी जॉइंट ये जो जॉइंट दोस्तों ये मेरा जॉइंट है, तो अभी मैं इसको फिलअप करने वाला थोड़ी देर में इसको कीपिंग करने वाला हूँ, ताकि इसके लिए कि जॉइंट थोड़ा मीडियम जॉइंट ठंडा हो गया है। दोस्तों पर्चिंग देखा दोस्तों हम लोग एसएस का जॉइंट है, 316L का ये पाइप है, मेटल है, फिलर वायर सब कुछ है दोस्तों। ये 316 का है दोस्तों, मैं इसमें जब मैं टेस्ट मार रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग करना इसमें अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मैं जब सब कुछ हो गया, रूट हो गया, हॉल पास फिलअप सब हो गया दोस्तों इसको मैं लास्ट पास में मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट पास में आपको भी क्यूसी नहीं है, कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जब टेस्ट आप बिल्डिंग कर रहे हैं, तो जब टेस्ट आप मार रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा टेंशन रहता है उस टाइम में, क्योंकि आपको जो पूरा कंसंट्रेट होता है होना चाहिए, वो ध्यान आपको होना चाहिए जॉइंट पे, कि आपका जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट जॉइंट बिल्कुल सही होना चाहिए आपको। बाकी दिन में वीडियो बन जाएगा मुश्किल नहीं, पर जॉइंट ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों अभी सब कुछ रेडी, सब कुछ हो गया है। अभी इस टाइम में इसमें आराम से नीचे से दोस्तों उठा रहे हैं फर्स्ट पास, देखिए मैं इसमें फर्स्ट पास उठा रहा हूँ। तो कभी भी आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के नीचे का, कभी आप लेयर आप बिल्डिंग कर रहे हैं अगर, तो कभी भी थोड़ा मोटा लेग चलिए, मोटा लेग चलेगा तो क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर का लेयर ऑटोमेटिक ऊपर पतला थोड़ा होता है अपने आप से, तो उस टाइम में आपको दिक्कत आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बस उस टाइम तो देखिए दोस्तों दोस्तों मैं लेके जा रहा हूँ, थोड़ा मोटा ही लेके जा रहा हूँ मैं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मोटा रहेगा तो अच्छा रहता है वेल्डिंग करने के टाइम में। तो देखिए दोस्तों अभी वेल्डिंग अभी मूविंग शुरू है भी है, देखिए दोस्तों आराम से बस लेके जा रहे हैं, फिलर दिए हुए बस लेके जा रहे हैं, फिलर दिए हुए लेके जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों बस मूविंग करना है और इसमें और बस फिलर देख चले जाना आगे, देखिए दोस्तों दूसरा दोस्तों हो गया, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा एडिटिंग रुक रुक कर थोड़ा वीडियो थोड़ा बनाया थोड़ा उसके दोस्तों उसको जब एक पास जब एक साइड में जो हो गया आराम से, तो उस दूसरा पास में के लिए रुक गया उस टाइम में। तो दोस्तों देखिए एक पास हो गया है इसको, फिर से उसमें ग्राइंडिंग कर रहे हैं, इस टाइम में ग्राइंडिंग करके फिर से दोस्तों दूसरा पास अभी उठेगा। अभी देखिए दोस्तों इस टाइम में एक पास वेल्डिंग हो गया है और दूसरा पास के दोस्तों तैयार हो रहा है जॉइंट, देखिए अभी दोस्तों ये जॉइंट जो है बहुत हीट हो गया, जॉइंट बहुत ज़्यादा जो दोस्तों हीट हो गया जॉइंट इस टाइम में दोस्तों। देखिए मैं कुछ बोल रहा था, मैं बोला उसको चालू करूँ क्या, तो वह चालू कीजिए, मुश्किल नहीं है तो वह चालू। फिर दोस्तों सेकेंड पास दोस्तों हो रहा है, इसमें चालू किए हैं और दोस्तों सेकेंड पास दोस्तों वेल्डिंग करने के टाइम में ये फ़ायदा रहेगा आपको कि थोड़ा सा पतला भी रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस थोड़ा पतला भी रहेगा तो आराम से बस वेल्डिंग करते चले जाना है आपको है। देखा दोस्तों इस टाइम दोस्तों थोड़ा सा पतला भी मारेंगे तो फिर भी मेकअप हो जाएगा उसमें, क्योंकि आपको सेकेंड जो फर्स्ट लेयर मारे हैं वो थोड़ा मोटा थोड़ा करके मारे हैं बिल्डिंग, तो इसके लिए छोड़ उसके लिए पतला पास भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी बस उसको लेके जा रहे हैं मूविंग करते हुए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा जो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों में, शेयर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्यों दोस्तों आपको ऐसा दोस्तों वीडियो हमेशा मिलते रहेगा आपको अपने चैनल पर, इस चैनल पर, तो कभी भी आपको ये वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमेशा मतलब नॉलेजेबल वीडियो होता है ये सब वीडियो। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों इसमें हम लोग को एक पास दोस्तों हो गया, दूसरा पास तो चल रहा है। और दोस्तों ध्यान देना ये चीज़ है, मैं आपको इसके पहले बताया था कि कभी फिलर आपको टॉप में फिलर देना, मतलब अगर ऊपर से टॉप से नीचे लेके आ रहे हैं अगर, तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, पर नीचे ऊपर ऊपर से नीचे आराम से आ जाएगा, कोई भी फिलर हो, मेटल हो, कुछ भी हो अगर, तो इसके लिए कोशिश कीजिए कभी भी आपको नीचे से फिलर दे करके आराम से ऊपर चलना है। तो देखिए दोस्तों एक साइड दोस्तों हो गया इसमें दोस्तों, दूसरा साइड में भी हम लोग कैपिंग करने जा रहे हैं दोस्तों, दिख रहा है, देखिए दोस्तों दिख रहा होगा आपको अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें। देखिए दोस्तों बस ऐसे दोस्तों इसमें बस आराम से इसे झुकना है बस और जॉइंट शुरू कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों ये अभी चालू हो गया जॉइंट इस साइड से, मैं देखता हूँ थोड़ी साइड से अगर देखेगा तो अच्छा है। देखिए दोस्तों यहाँ दोस्तों शुरू हो जॉइंट अभी है और दोस्तों 45 डिग्री में है, मतलब जिसको बोलते हैं 60 पोजिशन में, तो उसमें दोस्तों ये जॉइंट अभी है इस टाइम, देखिए कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से दोस्तों बस दोस्तों इसमें बस फिलर देना और आराम से दोनों को बस मेल्टिंग करते हुए चले जाना है। देखिए दोस्तों दोस्तों जॉइंट जो है वो 6G पोजीशन में जॉइंट है, पर कैमरा को घुमा दिया गया है इसको दोस्तों 5G पोजीशन में कर दिया गया कैमरा को है, आजकल दोस्तों ये भी दिखता है कि 5G पोजीशन में है, पर ऐसा नहीं है, पर दोस्तों 6G पोजीशन में जॉइंट है ये। देखिए दोस्तों इसको दोस्तों आराम से दोस्तों फिर से दोस्तों उसको
थोड़ा सा बचाव है हल्का सा इसके लिए, तो इसको फिर से उसको मेल्टिंग कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों मूविंग दोस्तों करके जा रहा है ऊपर दोस्तों, टॉप में, टॉप में कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों आराम दोस्तों, कितना देखिए दोस्तों कितना हीट हो गया पाइप पर। वेल्डिंग होता है दोस्तों, पाइप तो हीट होना ही होना है, क्योंकि जो छोटा पाइप है और इतना पावर हम लोग लिए हुए हैं अगर। तो देखिए दोस्तों टॉप तक दोस्तों हम लोग आ गए वेल्डिंग करते करते, टॉप में, टॉप तक दोस्तों हम लोग आ गए हैं इस टाइम में। देखिए दोस्तों, और दोस्तों मैं कमेंट दोस्तों कोई भी आदमी कमेंट करते हैं तो मैं दोस्तों वीडियो में बता देता हूं, और लगभग मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट में छोड़ भी दूं उसमें। तो एक मेरे फ्रेंड पूछ रहे थे कि मुखिया का चुनाव हो गया, मुखिया जी अभी लगभग नए नए सभी आदमी बन रहे हैं। तो हाँ मेरे दोस्त, सही बात है, नया नया आदमी सब बन रहे हैं, नया नया लोग सब आ रहे हैं मुखिया के चुनाव में इस टाइम में, क्योंकि बिहार में इस टाइम चुनाव माहौल चल रहा है बिहार में। तो इस टाइम हर जगह देख रहे हैं कि लोग नए नए युवा जो लोग हैं वो सब ज़्यादा करके आ रहे हैं इस टाइम में, तो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों टॉपिक पर आते हैं। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों जॉइंट पूरा कंप्लीट जॉइंट हो गया दोस्तों, इसको ब्रश तो शर्मा जी मार रहे हैं, तो मतलब अभी तो हेल्प कर दे रहे हैं हम लोग को। तो दोस्तों इसके दोस्तों ब्रश दोस्तों देखिए दोस्तों कितना लाइट, कितना कितना बढ़िया दोस्तों चमक रहा है जॉइंट, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों देखिए अभी जॉइंट दोस्तों जैसे दोनों जॉइंट को हम लोग वेल्डिंग करके हटे थे अभी, तो उस टाइम गर्म गर्म अगर गर्म गर्म ब्रश हो जाता है अगर, तो शर्मा जी ने बिल्कुल गर्म गर्म ब्रश मार दिया, बिल्कुल वाइट हो गया। देखिए दोस्तों बिल्कुल वाइट हो गया, और कहीं भी दोस्तों इसमें कुछ भी फिलर कट कुछ भी है अगर, तो उसको निकाल सकते हैं उसको आराम से। देखिए दोस्तों आराम से दोस्तों हल्का फाइलिंग कर दे रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, आराम से उसको मेल्टिंग करके आराम से उसको बिल्डिंग कम्प्लीट हो गया दोस्तों, इसको बस लेके जाना है। देखिए दोस्तों आज जो दोस्तों तारीख है वो है 2 तारीख 10वां महीना और 2021 का दोस्तों दिन है आज। तो इसको दोस्तों इसको फिर से दोस्तों अच्छा दोस्तों इसको ग्रेडिंग सा कर दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत उसमें ना आए। देखिए दोस्तों इसको अच्छा से ग्रेडिंग कर देके बस रेडी हो गया जॉइंट। तो ओके दोस्तों वीडियो खत्म कर दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, हमें शेयर कर दिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके दोस्तों नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। और देखिए दोस्तों ये दोस्तों पूरा पीस जितना भी बिल्डर लोग वेल्डिंग मार के रखे पीस, तो दोस्तों पूरा पीस आ गया है स्टैंड में यहाँ पे। और दोस्तों हर जगह देखिए सब पे दोस्तों नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 506 दोस्तों दिख रहा होगा वेल्डर नंबर, जो वेल्डर नंबर मेरा ही है। और दोस्तों देखिए डेट लिखा हुआ है आज का है 2/10/2021।